आखिर क्यों शराब की 12 बोतलें अंतरिक्ष में भेजी गई हैं? जाने कारण। हाल ही में एक खबर सामने आई जिसमें बताया गया कि अंतरिक्ष में एक दर्जन शराब की बोतलें भेजी हैं। और ये शराब की बोतलें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए सोमवार को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजी गई है। ये शराब फ्रांसीसी है और शनिवार को वर्जीनिया से भेजी गई है। बोतलों ने नॉर्थरॉप ग्रुमन कैप्सूल पर उड़ान भरी, जो शनिवार को वर्जीनिया से लॉन्च हुई और सोमवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची। प्रत्येक बोतल को टूटने से बचाने के लिए धातु के कनस्तर में पैक किया गया था। रेयर बोर्डोक्स वाइन पृथ्वी पर लौटने से पहले एक साल तक वहां रहेगी। शोधकर्ता अध्ययन करेंगे कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर भारहीनता और अंतरिक्ष विकिरण कैसे प्रभावित करते हैं। लक्ष्य खाद्य उद्योग के लिए नए स्वाद और गुणों को विकसित करना है। बोर्डोक्स फ्रांस और बवेरिया जर्मनी में विश्वविद्यालय स्पेस कार्गो अनलिमिटेड एक लक्ज़मबर्ग स्टार्टअप से प्रयोग में भाग ले रहे हैं। प्रयोग के वैज्ञानिक निदेशक एयरलांगे नूरनबर्ग के माइकल लिबर्ट ने एक वीडियो में कहा कि वाइन मेकिंग खमीर और बैक्टीरिया दोनों का उपयोग करता है और रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जो अंतरिक्ष अध्ययन के लिए शराब को आदर्श बनाता है। अंतरिक्ष में रहने वाली शराब की तुलना पृथ्वी पर स्थित बोर्डो वाइन से की जाएगी। स्पेस कार्गो अनलिमिटेड के मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक निकोलस गॉम ने एक बयान में कहा, यह जीवन भर का रोमांच है। अगले 3 वर्षों में कंपनी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से 6 अंतरिक्ष अभियानों में से यह पहला है जो कृषि के भविष्य को देखते हुए हमारी बदलती हुई दुनिया को छू रहा है।